हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. सी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे ट्रायल बैलेंस एंड एरर की, और हमने कल 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. सो बिलो द एरर कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. यहाँ पर एक्चुअली ये क्या है, ये क्वेश्चन है जी, नेम 4 एरर्स विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. के ऐसे कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो उन एरर्स का हमें पता ही नहीं चलेगा. सो ऐसे एरर्स हैं बेटा, कॉम्पनसेटिंग एरर्स, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन. क्योंकि जब तक बैलेंसेस मैच नहीं होंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कोई गड़बड़ की है, ठीक है. और इन एरर्स को हमने कल पढ़ा था डिटेल में. व्हाट इज़ अ सस्पेंस अकाउंट व्हेन इट इज़ ओपन. कि सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, सस्पेंस अकाउंट क्या है, दिस इज़ अ अकाउंट ऑफ डिस्पैरिटी. जब ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज़ मिसिंग है जो रेक्टिफाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे बैलेंसेस को कवर अप करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस विल अपीयर. यहाँ इन्होंने पूछा है कि ये कौन से साइड आएंगे, ये हमें पता ही है. चलो देखते हैं. सबसे पहले परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न होता है बच्चे, परचेज जो अकाउंट होता है उसका अकाउंट होता है डेबिट, एंड परचेज रिटर्न इज क्रेडिट. फर्नीचर एक एसेट है, देन डेबिट. बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, देन क्रेडिट. डिस्काउंट अलो, डिस्काउंट अलो जो है वो होता है डेबिट. कैपिटल क्रेडिट. ड्रॉइंग इज अ एक्सपेंस, सो डेबिट. एंड रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स क्या है, परचेज रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न. और सेल्स रिटर्न क्या होता है, हमारा डेबिट. बिल बी आर, बी आर इज अ पार्ट ऑफ एसेट, एंड एसेट्स आर डेबिट. क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और द क्रेडिट कॉलम इन द ट्रायल बैलेंस. अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. एसेट्स है सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, तो डेबिट बैलेंस. डिस्काउंट अलाउड डेबिट. बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट. सेल्स क्रेडिट. इंटरेस्ट पेड डेबिट. बैड डेट्स डेबिट. किसी को ये डाउट हो कि इंटरेस्ट पेड और बैड डेट्स जो है वो डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनका जो अकाउंट होता है वो होता है डेबिट. बिकॉज जो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट है वो क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस. स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट्स विल इंडिकेट अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. अगेन सेम चीज़ है बच्चों, ट्रायल बैलेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस में हम यही चीज़ करते हैं कि कौन से अकाउंट हमारे डेबिट होते हैं, कौन से क्रेडिट होते हैं. नेक्स्ट है जी, क्लासीफाई द अंडर मेंशन एरर इन टू. इन्होंने बोला है हमें कि आपको क्या करना है, आपको ये वाले एरर्स जो हैं ये बताने हैं कि ये एरर्स को आप कहाँ पर क्लासीफाई करेंगे, कहाँ पर इन्हें शो करेंगे. फर्स्ट है जी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कॉम्पनसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है जी. अब सबसे पहला एरर हम ले लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम भारद्वाज ऑन क्रेडिट ₹4,600 बट वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज ₹6,000. अब क्या हुआ है यहाँ पर, भारद्वाज से हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किए और क्रेडिट पे परचेज किए, 600 के गुड्स हमने रिकॉर्ड किए हैं 6,000, ठीक है. अब बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे एरर्स जिनकी क्या है, हमने रिकॉर्डिंग क्या कर दी, मतलब हमने अकाउंट्स में फेरबदल कर दिया, मींस हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये किया कि हमें इन्होंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, मतलब एग्जांपल्स गिवन है, और हमें यहाँ पर बताना है विच काइंड ऑफ और विच टाइप ऑफ एरर इज़ दिस, राइट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की. अब देखो यहाँ पर हमने भारद्वाज से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया. अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर ट्रांजैक्शन आपने कम की रिकॉर्ड कर दी हो, यानी कि ट्रांजैक्शन थी 600 की, रिकॉर्ड कर दिया 6,000, तो ऐसे एरर कहलाते हैं जी एरर ऑफ कमीशन, राइट. तो फर्स्ट वन इज एरर ऑफ कमीशन. अमाउंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंसिस अकाउंट. आपने अलग अकाउंट ही ट्रीट कर दिया उसको, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जब आपने जो अकाउंट था उस अकाउंट की बजाय दूसरे अकाउंट, मींस नाम ही अलग हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल.
नेक्स्ट वन इज गुड्स अकाउंटिंग टू ₹2,000 हैज बीन रिटर्न टू चक्रवर्ती बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक. एंट्री ही नहीं की तो जहाँ पर एंट्री ही नहीं होती वो क्या होती है, एरर ऑफ ओमिशन. नेक्स्ट एन एक्सेस डेबिटेड ₹4,500 हैज बीन मेड इन द अकाउंट ऑफ एक्स वेयर वाइज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹5,000 इंस्टेंट ऑफ 500. एक तो आपने अकाउंट 500 से एक्सेस में डेबिट कर दिया और एक जगह रिकॉर्डिंग आपने क्या की है, एक्सेस में कर दिया. तो ऐसे अकाउंट्स को या ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं बच्चों कॉम्पनशेटिंग एरर्स. क्या बोलते हैं, कॉम्पनशेटिंग एरर्स. नेक्स्ट है जी, गुड्स सोल्ड टू सुरेश ₹4,650 वर रिकॉर्डेड एज 560 इन सेल्स बुक. अब देखो आपने क्या किया, आपने 650 को 560 में क्या ऐसे, ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया ना सेम कि 600 को 6000 रिकॉर्ड किया, तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी. और ऐसे एरर्स को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट, टाइपराइटर परचेज, टाइपराइटर परचेज फॉर ऑफिस यूज हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. अब देखो है तो ये एसेट का अकाउंट लेकिन तुमने इसको परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन रॉन्ग अकाउंट इज मेंशन. वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹15,000 वर रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट. अब ये भी सेम चीज़ है, सो एरर ऑफ प्रिंसिपल. एंड गुड्स फॉर ₹500 हैज़ बीन टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज एंड फॉर विच नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड इन द बुक्स. हाँ जी, तो आपने कोई एंट्री ही पास नहीं की, तो अगर कोई एंट्री यहाँ पर पास नहीं की गई है इट मीन्स दिस इज एरर ऑफ ओमिशंस. ठीक है जी. तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, सॉरी ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था वो बहुत इम्पोर्टेंट था. ठीक है जी. तो इस क्वेश्चन को आप अपनी जो नोटबुक है या बुक है वहाँ पर इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लेना, इसको मार्क कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइस. ओके, आज के लिए इतना ही. कल हम आगे फर्दर 6 और 7 क्वेश्चंस कल करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर.